के टॉपिक में है यार धान में लगने वाले कीट। देखिए धान में विभिन्न प्रकार के कीट लगते हैं जिससे कि हमारी धान की उपज में काफ़ी प्रभाव पड़ता है, काफ़ी हानि हो जाती है, धान जो है धान के उत्पादन में काफ़ी कमी आ जाती है। तो देखिए होता क्या है कि कीट जो लगते हैं तो कीट जो है उनको पहचानने में बड़ी समस्या होती है कि उनको पहचान करके और कौन सा जो है इंसेक्टिसाइड इसमें डाला जाए, तो ये बड़ी समस्या रहती। तो आज हम तुमको बताने का प्रयास करेंगे, आप लोग जिसको इसको कुछ समझने का प्रयास करिए कि धान में कौन कौन से कीट लगते हैं और जब वो कीट लग जाते हैं तो किस प्रकार से फसल को क्षति पहुंचाते हैं, किस प्रकार से हानि पहुंचाते हैं और उनको कैसे जो है उनको रोका जा सकता है और उनकी पहचान के लक्षण भी क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा कीट है। जैसे हम बहुत ही स्टार्ट कर बताना चाहते हैं कि नंबर एक है धान का बंका। धान का बंका इसका दूसरा भी नाम है, देखिए क्या नाम है, धान का इसको पत्ती लपेटक भी कहते हैं, पत्ती लपेटक। तो जैसा कि नाम से ही कि पत्ती को लपेट देता है, नली जैसी संरचना में बना देता है, जैसे पाइप होती है पाइप की जैसी संरचना में बना देता है ये धान का बंका है, पत्ती लपेटक। लीफ रोलर भी कहते हैं इसको, लीफ रोलर कहते हैं। और एक खासियत ये है कि ये पत्ती को लपेट करके और उसके अंदर ही अंदर जो है पत्ती को खाते रहते हैं, पत्ती को खाते हैं और उसको नुकसान पहुँचाते हैं। तो इस प्रकार से ये पत्ती लपेटक है, ये हरे रंग के जो है सूढ़ियाँ होती हैं ये पत्ती को नुकसान पहुँचाती हैं। तो इस प्रकार जो पत्ती ही खा जाएंगी तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ से होगा, तो भोजन का निर्माण कैसे पौधे कर पाएंगे और जो है हमारी उपज जो होती काफ़ी उपज में कमी आ जाती है। तो एक तो केमिकल इसका जो है उपचार किया जाता है, केमिकल जो है रोकथाम किया जाता है, जैसे लिंडन धूल आती है इसके लिए, लिंडन धूल 1.3% होती है और 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से जो है इसका उपयोग किया था, लिंडन धूल का जो है हम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अगर जैविक उपचार करना चाहते हैं, जैविक उपचार में एक कीट आता है, इस कीट का नाम है ट्राइकोग्रामा जपोनिकम। ट्राइकोग्रामा जपोनिकम जो है ये भी जो है अगर इसके ट्राइकोकार्ड आते हैं, ये ट्राइकोकार्ड जो है 15 से 20 जहां पे लगा दिए जाते हैं खेत में, तो ये जैविक उपचार हो जाता है, हमको केमिकल डालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से जो है ये धान का बंका हो गया। इसी प्रकार से जो है अगला कीट है ये है तना छेदक, जो कि इसमें सितंबर का महीना चल रहा है, बहुत बड़े स्तर पर जो है धान के खेत में यह कीट देखा जा सकता है, धान का तना छेदक इसको हम स्टेम बोरर कहते हैं। तो देखिए बच्चों ये क्या है, स्टेम बोरर की पहचान कैसे करेंगे, देखिए ये कीट पीले और मटमैले रंग की ये सूढ़ियाँ ही होती हैं और जो पौधे के अंदर जो वृद्धि वाली कोशिकाएँ होती हैं, वृद्धि वाली कोशिकाएँ जो होती बहुत नरम होती हैं, उनको आसानी से ये खाते रहते हैं। पहचान के लिए बहुत बढ़िया जो है इसका है कि ये पौधा का है, पौधे की जो है ये पत्तियाँ हो गई ठीक है, और ये वृद्धि वाला क्षेत्र है, ये वृद्धि क्षेत्र है, इसको यहाँ पे सूढ़ी अंदर के अंदर खाते रहते, यहाँ पे ये एक डेड हार्ड बन जाता है, इसको हम इस डेड हार्ड को जो है सेंट्रल सूट कहते हैं, ये सेंट्रल सूट कहलाता है, ये सूख जाता है और बाली की अवस्था में तो बालियाँ भी सूख जाती हैं और उसको खींचने पर ये आसानी से खींच जाता है और कटा हुआ मालूम पड़ता है। तो इतना छेदक, इसकी रोकथाम के लिए हम साइप्रोमेथ्रिन का भी प्रयोग कर सकते हैं, साइप्रोमेथ्रिन जो है 25 cc, साइप्रोमेथ्रिन 25 cc और 1.5 लीटर मात्रा 800 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टर की दर से हम छिड़काव कर सकते हैं। और जैविक उपचार अगर हम करना चाहते हैं तो इसके लिए भी ट्राइकोग्रामा किलोनिस, ये भी ट्राइकोग्रामा किलोनिस ये भी एक कीट है, ये भी एक परजीवी कीट है,
50,000 वयस्क जो है रोपाई के 30 दिन के बाद में 50,000 वयस्क जो है वो खेत में छोड़ दिए जाते हैं। तो ये तना छेदक वाले जो कीट है उनको उनको जो है नुकसान, ये मित्र कीट है, ये मित्र कीट है, इस कीट को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा अगला कीट है, अगला कीट हम बात करेंगे हरा फुदका। हरा फुदका इसको हम GLH के नाम से जानते हैं, ग्रीन लीफ हॉपर। जैसा कि नाम से ये हरा फुदका है, ये नंबर 2 का कीट हो गया, नंबर 3 का ये कीट हो गया, तो ये हरा फुदका है। नंबर 1 हमने बता चुका है, हमने बताया है धान का पंखा, ठीक है, या पत्ती लपेटे बता चुके हैं। तो हरा फुदका जो है GLH ये क्या करता है, पत्तियों का रस चूस करके जो है पत्तियों को नष्ट करते हैं। तो रस ही चूस लेंगे तो पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, पत्तियों की जो नोक, पत्तियों की जो नोक होती है वो नीचे की ओर हो जाती है। और चौथा कीट हम बात करेंगे धान का भूरा फुदका। तो इसकी पहचान के क्या है कि ये पत्ती की ऊपरी सतह पर रस चूसने का कार्य करती है, रस चूस के जो है पत्तियों को नष्ट करती है। तो इसको आसानी से हरे रंग के फुदके होते हैं, इनको आसानी से पहचाना जा सकता है। और ये टुमरू जो रोग होता है वो धान में ही लगता है, वो टुमरू रोग जो होता है वो वायरस से होता है, तो वायरस को ट्रांसमिट करने का भी कार्य हरा फुदका करते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए हम साइपरमेथ्रिन जो है, साइपरमेथ्रिन 25 EC 1.5 लीटर मात्रा लेते हैं और 1,000 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव कर देते हैं। ऐसे ही धान का भूरा फुदका है जिसको हम BPS के नाम से जानते हैं, BPS मतलब ब्राउन प्लांट हॉपर। ये जो है लीफ हॉपर था, ये प्लांट हॉपर है। इसकी खासियत है ये भी रस चूसने का जो है, रस चूस करके पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है, पौधों को नुकसान पहुंचाता है। तो रस जो है ये पत्ती के निचले भाग से, ये पत्ती इस तरीके से होती है, पत्ती के निचले भाग से ये रस चूसने का कार्य करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रस चूस करके पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, पौधों को नुकसान पहुँचाता है, इससे उपज में काफ़ी जो है हानि हो जाती है। तो ये चौथा कीट हो गया और इसकी रोकथाम के लिए तो हरे फुदके की तरह ही रोकथाम करेंगे, साइपरमेथ्रिन 25 EC जो है 1.5 लीटर मात्रा 1,000 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देंगे। पांचवा है धान का हिस्पा। ये हिस्पा जो है राइस हिस्पा के नाम से जाना जाता है, ये काले रंग का कीट होता है, प्रौढ़ काले रंग का कीट होता है। कीट के ऊपर जो है काले काले कांटे जैसी संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं। तो ये क्या करते हैं, ये पत्ती के जो पत्ती का जो हरा वाला पदार्थ होता है उसको खुरच के खाते रहते हैं, खुरच के खाते हैं, फिर आगे बढ़ते फिर खाते हैं आगे, तो पीछे जो है तो जो हरा पदार्थ खा जाए तो पीछे लाइन जैसी संरचना बन जाती है। तो इसको आसानी से पहचाना जा सकता है, ये लाइन जैसी संरचना जो बन जाती है, तो समझिए ये जो है धान का हिस्पा ही इसमें लगा है और हमारे पत्ती का जो हरा पदार्थ है क्लोरोफिल वाला जो भाग है उसको खा करके ये नष्ट करता है। और इसकी जो इस कीट की जो गिडारें होती हैं वो पत्ती के अंदर सुरंग कर देती हैं, तो इस प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। इसके लिए भी जो है भाई साइपरमेथ्रिन या क्लोरपायरीफास का भी प्रयोग करते हैं, क्लोरपायरीफास 25 EC तो 1.5 लीटर 1.5 से 2 लीटर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लगभग 2 लीटर 800 से 1,000 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टर जो है दर से छिड़काव कर देंगे। इसके अलावा आगे है जड़ बेदक इसको हम रूट बोर कहते हैं। रूट बोर की पहचान ये है, जब पौधा जो है सूखा हुआ दिखाई पड़ेगा उसको हम उखाड़ करके देखेंगे, पौधे को उखाड़ करते हैं तो महीन वाली जो जड़ें होती हैं वो चावल जैसी सूढ़ियाँ होती हैं, उन महीन वाली जड़ों को खा करके नष्ट कर देती हैं। तो इसके लिए हम लिंडन धूल का प्रयोग ना करके लिंडन ग्रेनुअल का प्रयोग करेंगे, इस बार दानेदार लिंडन जो है जो दानेदार आता है उसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो जमीन के अंदर है तो दानेदार लिंडन अगर ग्रेनुअल जो मिल जाता है तो उसको हम
25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 6% ग्रेनुल आता है, तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जो है हम खेत में बिखेर देंगे। बिखेरते समय नमी का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से जो है हम जड़ भेदक का की रोकथाम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही प्रसिद्ध कीट है धान का गंधी। धान का गंधी, जैसा कि नाम से है गंधी, जब ये कीट अगर आपके हाथ में लग जाए तो उसको सूंघने पर बदबू जैसी आती है। ये किस प्रकार से नुकसान करता है? धान का गंधी जो होता है वो बालियों का रस चूसता है। बालियों का रस चूस कर, बालियाँ जब दुग्धावस्था में होती हैं तो बालियों का रस चूस करके उसको नुकसान पहुँचाती हैं। तो बालियों में दाने ही नहीं बनते हैं क्योंकि रस चूस लिया जाता है, खाली वो उसका कवर ही रहता है, खाली जो है धान का वो कवर ही ऊपर वाला रह जाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए लिंडन धूल जो है 1.3% लिंडन धूल 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम डस्टिंग का कार्य कर देंगे। डस्टिंग के करते समय ओस अगर पड़ी है तो ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि उसमें जो है वो डस्ट जो होती चिपक जाती है। और धान का गंधी हो गया, सातवां जो है वो धान का गंधी। और आठवां कीट बताएंगे धान का सैनिक कीट। सैनिक कीट को हम आर्मी वार्म के नाम से जानते हैं। देखिए सैनिक कीट क्या है, जैसा कि नाम है सैनिक कीट, ये एकदम अटैक करते हैं। रात में जो है ये अटैक करते हैं, दिन में ये कहीं ना कहीं छिपे रहते हैं। और रात होती है, रात में एकदम समूह के रूप में ये बाहर से वो अंदर निकलते हैं बाहर की ओर, और ये बालियों को काट देते हैं। ये जो बालियाँ निकली होती हैं, बालियों को काट करके ये नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसकी भी रोकथाम के लिए जो है हम लिंडन धूल या क्लोरपायरीफास का भी प्रयोग कर सकते हैं, साइपरमेथ्रिन का भी प्रयोग कर सकते हैं। मात्रा वही जो बता चुके हैं वही रखेंगे। लिंडन धूल अगर 1.3% ग्रेन वो पाउडर है तो पाउडर को जो है वही 25 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से हम डस्टिंग का कार्य कर देंगे। तो इस प्रकार से हम 8 कीटों के बारे में, धान में लगने वाले 8 कीटों के बारे में बताया है, किस प्रकार से नुकसान हमारी फसल को पहुंचाते हैं और उनकी रोकथाम क्या है। जैसे धान का पंखा, उनको पत्ती लपेटक भी कहते हैं, धान का तना छेदक और हरा पुदका, धान का भूरा पुदका, धान का हिस्पा, जड़ भेदक, धान का गंधी कीट और धान का सैनिक कीट। तो इस प्रकार से ये धान में लगने वाले प्रमुख कीट हैं।